आधार कार्ड हम लोगों को ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में काम आ रहा है, बल्कि जो बच्चे या जो अपने अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, उनको अपने परिवार तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। जी हाँ, आधार कार्ड ने अब तक लखनऊ से 40 से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो दूसरे जिलों से बिछड़कर लखनऊ के बाल गृहों में रह रहे थे, उनको उनके परिवार तक पहुंचा चुका है। जी हाँ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से हमें ये आंकड़ा मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली रोशनी की घटना भी कुछ ऐसी है, जिसे आधार कार्ड ने 6 साल बाद उसके परिवार तक उसे मिलवा दिया था। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बच्ची की घटना को सुनकर बेहद भावुक हो गए थे। आइए आपको ले चलते हैं रोशनी के पास और उसी से जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। सर, जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे, तब हमारी मम्मी हमें अपने घर पे लेके गई थी बिहार, मेरे नाना घर। तो फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो वहीं स्टेशन पे हमारा हाथ छूट गया। फिर ना ही मम्मी का पता चला, ना ही मेरा। फिर वहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिले, फिर मैं उनके घर पे रही 2-3 दिन। फिर उसके बाद वहाँ लखनऊ में एक संस्था है, फिर मैं उसमें रही 5-6 साल। फिर उसके बाद वहाँ पे आधार कार्ड बनाने वाले कुछ लोग आए थे, फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड बनाया। फिर उससे पता चला कि मेरा आधार कार्ड पहले से बना हुआ है। फिर हमारी मैम ने बुलाया, हमसे कहा, बेटा तुम्हारा घर मिल गया है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे चाचा जी से बात कराई, और फिर मैंने उनसे बात करी, फिर वो आए थे, हमें ले गए। फिर उसके बाद हमें प्रधानमंत्री जी ने भी बुलाया था, फिर उन्होंने भी हमसे बात करी। सर, पिछले दिनों खबर आ रही थी कि आधार जो है वो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल इस समय अदा कर रहा है, तो सर लगभग लखनऊ में इस तरह के कितने केसेस हुए होंगे और किस तरह से ये फाइंड आउट हो रहा है? एक खास चीज होती है आधार, एक डिजिटल आइडेंटिटी है जिसकी मेन जो उसका बेसिस सही ये है कि किन्हीं दो लोगों का एक आधार नंबर नहीं हो सकता और किसी एक इंसान के दो आधार नंबर नहीं हो सकते। तो एक बार जो जैसे बच्चों का अगर 5 साल के बाद उनका आधार बना है तो वो बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। 5 साल से पहले बच्चों का केवल फोटो ली जाती है, आयरिस और उंगलियों के निशान नहीं लिए जाते हैं, लेकिन उनका 5 साल पे एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है जो कि फिर 15 साल पे फिर से होता है। तो अगर 5 साल से पहले आधार बना है और 5 साल पे उसका मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट किया है तो उसके बायोमेट्रिक्स हमारे सिस्टम में होंगे। अब दुर्भाग्यवश अगर वो बच्चा कहीं बिछड़ जाता है, वो कहीं पहुंचता है और उसको उसका आधार बना हुआ है और उसके बायोमेट्रिक्स हमारे सिस्टम में है, तो अगर वो पुनः आधार के लिए एनरोल करता है तो उसका आधार नहीं बनेगा क्योंकि उसका आधार पहले से बना हुआ था। तो इसी का फायदा उठाते हुए कि उसका पहले आधार किस पते से बना हुआ था ये देखकर हम उसको उसके अभिभावकों से मिलवा सकते हैं। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में करीब 100 से अधिक बच्चों को मिलवाया है। इसमें सबसे अहम रोल है बायोमेट्रिक का। आधार बना होता है तो ऑलरेडी उस बच्चे का बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैप्चर करके प्रोसेस में जा चुका होता है, आधार जनरेट हो चुका होता है। दोबारा प्रोसेस में जाने के बाद में सेम बायोमेट्रिक के कारण वो डुप्लीकेट में रिजेक्ट होता है और उससे उसका पुराना आधार ट्रेस हो जाता है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।